जन सुना में यहाँ के उपभोक्ताओं ने शिकायत करी थी कि राशन नहीं मिल रहा है और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत मिली थी और यहाँ के उपभोक्ताओं ने दूरभाष पर सूचना दी थी कि विक्रेता और उनके परिवार के लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए जांच के लिए आए थे। आगामी आदेश तक अब जैसे भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को हम ये प्रतिवेदन करते हैं अनियमितताओं का, और जैसा भी आगामी आदेश तक सील रखेंगे दुकान। स्टॉक सत्यापन के प्रथम दृष्टया विक्रेता की इसमें गलती है, वितरण में अनियमितता है और विस्तृत जांच की जा रही है। हमने ये सरकारी दुकान ग्राम गिराला की शिकायत करी थी कि यहाँ पर जो ये समूह द्वारा अंबिका समूह द्वारा जो चला जा रहा है सहकारी दुकान है ना, फिर उसमें अनियमित वापरी गई और रही बात आए दिन मारा कुट्टी करते हैं आप लोगों के सामने, अभी हाल आपके सामने मारा कुट्टी करी गई, आपका मोबाइल गिराया गया, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, हाँ पत्रकार आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और रही बात दूसरी हमेशा दादागिरी की बात, और रही बात जिनके नाम से जो समूह है और वही चलाएंगे, उनके पुत्र हम चला रहे हैं, उनके बालक हम चला रहे हैं, इनका कोई वो रोल थोड़ी है चला सकते दुकान सहकारी, ये दुकान चला ही नहीं सकते। और नियम उसमें लिखा हुआ है महिला बाल विकास नियम अनुच्छेद 1 के तहत 7 नंबर पे लिखा गया है कि सहकारी दुकान पे ना तो सहायक सचिव, रोजगार सचिव और शिक्षक और कोई भी सरकारी व्यक्ति, अगर सरकारी चीज ये समूह और सरकारी दुकान नहीं चला जा सकता, उसमें लिखा हुआ है। रास्ते में यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर भीलफले में आधा अनाज उतारा जाता है। जी हाँ, ये हुआ ना, वो शिकायत करी हमने साहब के सामने, शिकायत करी हमने और साहब ने वो बना वो वीडियो भी दिया। गेहूं लेना आया तो गेहूं दिए और पैसे दिए थे। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।